अस्सलाम वालेकुम डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है मरकरी। अब ये जो सीरीज़ जिसका मैं आगाज़ कर चुका हूँ, इसकी इम्पॉर्टेंस है आपके सीएसएस के एमसीक्यूज़ के पोर्शन के हवाले से, क्योंकि जनरल साइंस एंड एबिलिटी के अंदर 20 नंबर के एमसीक्यूज़ होते हैं, लिहाजा 20 नंबर आपके वहाँ से कवर हो जाएंगे। पीएमएस के अंदर तकरीबन जो जनरल साइंस का जो पोर्शन है एमसीक्यूज़ के हवाले से, तकरीबन 40 एमसीक्यूज़ तक आ जाते हैं, क्योंकि इस साल जो पीएमएस का जीके था उसमें कम थे, लेकिन लास्ट ईयर्स के अंदर तकरीबन 40 से 38 नंबर आपके जनरल साइंस में से ही होते हैं, लिहाजा आपके वो एमसीक्यूज़ का पोर्शन वहाँ से कवर होगा। और एफपीएससी के अंदर जितने भी आप इम्तिहान देते हैं वन पेपर के हवाले से, जो स्क्रीनिंग देते हैं, चाहे वो ADFIA है या इंस्पेक्टर FIA है या MOD है, जितने भी आपके FPSC के एग्ज़ाम हैं 20 नंबर की जनरल साइंस ज़रूर आती है MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से। PPSC के अंदर भी तकरीबन 10 नंबर की या कहीं 20 नंबर की होती है तो आती है। NTS में भी तकरीबन 4, 5, 6, 7 MCQs आ जाते हैं जनरल साइंस के हवाले से। लिहाजा ये जो सीरीज़ मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ जनरल साइंस के हवाले से, ये बहुत ज़्यादा अहम है और आप इसको अच्छे अंदाज में कीजिए। मैं इसमें से कोई भी चीज़ मिस नहीं कर रहा, ये आप अपने नोट्स ज़रूर बनाते जाएं। अगर आपके पास नोट्स, आपके पास टाइम नहीं है नोट्स बनाने का, तो मैं ये भी करूँगा कि PDF मेरे पास अवेलेबल होंगे, ये जो लेक्चर मैं आपको दूंगा वो बहुत ही लोएस्ट अमाउंट के अंदर आपको जो है ना मिल जाएंगे। तो आज हम मरकरी का जो टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं। मरकरी के हवाले से जो सबसे पहला MCQ है जो आपने जहन में रखना है कि मरकरी जो है वो सबसे छोटा है। टोटल 8 प्लैनेट्स हैं जिनमें से मरकरी सबसे छोटा है। मैंने जो लास्ट लेक्चर के अंदर आपको तरतीब बताई थी, उस तरतीब को आप जहन में रखें। माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सर्वड अस नोडल, उसके हवाले से आप इसको जहन में रखेंगे। मरकरी सूर्य के सबसे ज़्यादा करीब तरीन है। और नेक्स्ट MCQ क्या है? फास्ट रिवॉल्विंग प्लैनेट्स अराउंड द सन, ये सूरज है और ये मरकरी है। मरकरी क्योंकि सूरज के सबसे ज़्यादा करीब है तो वो क्या करता है, बहुत ज़्यादा तेज़ी से मूव कर रहा है। एक तो छोटा है और तेज़ी से मूव कर रहा है। नेक्स्ट जो है ना, इसका साइज़ जो है ना मून के बराबर है, चांद के बराबर है। लिहाजा आपसे हम स्कूल में पूछ सकते हैं कि मरकरी का जो साइज़ है वो किसके इक्विवेलेंट है, किसके इक्विवेलेंट है? वो मून के इक्विवेलेंट है। मून भी एक क्या है? मून, मून के वाले से मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगा। इट इज क्लोजेस्ट टू द सन, ये सूरज के सबसे ज्यादा करीब है। और नेक्स्ट MCQ, इसका कोई एटमॉस्फेयर नहीं होता, मरकरी के अंदर कोई एटमॉस्फेयर नहीं होता। रिवॉल्व, यहाँ पे भी लिखेंगे, रिवॉल्व्स अराउंड द सन, कितने डेज के अंदर रिवॉल्व करता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा तेज़ी से मूव कर रहा है, लिहाजा इसके जो डेज होते हैं वो 88 डेज के अंदर सूरज के अराउंड आर्बिट करता है। अब ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सा ऐसा प्लैनेट है जिसको ब्लैक प्लैनेट कहेंगे, वो मरकरी है जिसको आप ब्लैक प्लैनेट कहेंगे। प्लैनेट का जो साल है वो सबसे ज़्यादा शॉर्ट होता है, वो कौन सा प्लैनेट है? वो मरकरी है। क्यों? क्योंकि इसके 88 डेज होते हैं, 88 डेज होते हैं। तो ये थी इंफॉर्मेशन जो मैंने आपको प्रोवाइड की मरकरी के हवाले से। तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में आपके साथ मिलते हैं, जिसमें हम वीनस के बारे में स्टडी करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।